Good morning, Mopolers. Enjoy the vlog. Actually, this building has a natural air conditioning system. You will feel inside summer cooler and winter warmer. It's the multi-floor as well as Hunza first of all. Yeah. बात ऐसी है कि आई वॉज ये फोर्ट को जाके आई वॉज शॉक. एक तो पहला मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, उसके बाद जब मैंने ये इस बंदे से सुना कि विंटर्स में ये वार्म होता है और समर्स में ये कोल्ड होता है, तो आई वॉज शॉक कि पुराने जो आर्किटेक्ट थे कितने मज़े के और कितने इंटेलिजेंट होते थे. इनके जो दरवाजे हैं बहुत हाइट में कम है क्योंकि यू नीड टू बाउ डाउन फॉर द किंग. Anyways, ये कोई हिस्ट्री चैनल तो है नहीं, दिस इज माई फॉलोअर्स चैनल. ये अर्सिल फोर्ट की हिस्ट्री भरी हुई है यूट्यूब पे. Anyways, जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो मैं आपको बताऊंगा. आई लव द प्लेस, इट वॉज इनक्रेडिबल. हिंदुइज्म भी था इधर, अ लॉट ऑफ बुद्धाइज्म भी था. पहले लोग जमाने में बातें नहीं कर सकते थे, साइंस से बातें करते थे. ब्यूटिफुल, लेकिन जो सबसे ज्यादा ब्यूटिफुल था इट वॉज द व्यू. द व्यू वॉज priceless, man, priceless. और एक जगह ऐसी आती है जो सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करनी होती है, जो नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाई है. और अगर वो सोल्जर कंप्लीट कर लेता था, ही वॉज द बेस्ट सोल्जर. काफी सोल्जर्स फेल भी हो चुके थे. एनीवेज यार, दिस आर्थर फोर्ट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. बिकॉज आई लव हिस्ट्री, एंड जब ये देखा, वो भी हमारे मुल्क के अंदर ऐसी चीज है, so I was so happy. And yeah guys, hope you enjoy the vlog. Lekin yeah, it's a good place. It's a beautiful ancient ki jagah hai yaar. Jo bhi Hunza hai lazmi idhar aana. Royal family used to hide here. This used to be royal family's emergency hideout. This is 170 km left side to the China. Punjab, China Pakistan border, on the right side, and Europeans in the time of British, when they were boarding on Hunza, the high official military official house. Met Muhammad Ali, and whenever you come to Fort, meet him. क्योंकि ये इसने जो अभी लिए है ना, हाथों से लिया, ऐसे लगता है कि ड्रोन शॉट है. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, लाइक इनकी पता नहीं कितनी साल की ट्रेनिंग. आई कैन डू इट, आई एम अ व्लॉगर एंड आई कांट डू इट. बट या, इट्स एन अमेजिंग प्लेस. द गाइडेंस जो गाइड करते हैं, दे आर वेरी नाइस. आई लाइक इट. द व्यू, द हिस्ट्री इज अमेजिंग. और व्यू के साथ आपको सारी हिस्ट्री मिल रही है. तो इट्स वन नाइस मीटिंग यू ब्रदर. एंड नाउ वी आर गोना गो. अ वर्थ ऑफ प्लेस. आई डेफिनेटली रिकमेंड. जो नया नया आया हो उसको इधर आना चाहिए. अच्छा, उसके बाद हम आए थे ईगल नेस्ट, लेकिन आई प्रेफर मोर हार्ड रॉक, क्योंकि हार्ड रॉक का जो खाना है इट्स मोर गुड देन ईगल नेस्ट. एंड आई वाज शॉक्ड कि ईगल नेस्ट में लोग ज़्यादा है एंड हार्ड रॉक में कम है. दोनों का व्यू अच्छा है, दोनों के एम्प्लॉयज आर गुड, बट द फूड ऑफ हार्ड रॉक इज मोर गुड देन ईगल नेस्ट. सो गाइज, दिस इज द एम्बियंस रिजॉर्ट इन हुंजा. आई विल शो यू द बाथरूम. आई वॉज अमेज कि ऐसे बाथरूम भी होते हैं हुंजा में. आर इज गुड. और ऐसे होटल भी होते हैं. लाइक लुक एट दिस, कितना प्यारा है यार. सो लाइक एलिफेंट. एंड आई एम गोना शो यू द व्यू. दिस इज द व्यू. वी कैन चिल आउटसाइड विद अ ब्यूटीफुल व्यू. एंड दे हैव नेटफ्लिक्स प्राइम, यूट्यूब ऑल्सो. अच्छा, ये इनकी लॉबी है. I'm shocked by looking at this lobby. It's so beautiful, बड़ा well designed. वो कहते हैं ना less is more. इसमें इतना ज़्यादा नहीं रखा हुआ. और ये इनका टी वी है. These are books. Literally, if मैं इन होटल को marks दूंगा तो it's like 9, 8.5 out of 10. Not everything is too perfect. Cafe. ये सारा cafe. Beautiful. देखिए कितना प्यारा है with the view. It's amazing. यार ब्रिज लगता scary नहीं है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि नीचे पानी चलता हुआ, ठंडा गहरा पानी, और ऊपर से कोई इक्विपमेंट्स नहीं, आपको सिर्फ सेफ्टी जैकेट दे रहे हैं, और ब्रिज के अंदर स्पेस है, तो आपकी थप जाके फट के आग में आ जाती है. दूसरी बात, ब्रिज हवा की वजह से उड़ भी रहा होता है लेफ्ट और राइट, तो बंदे की और हो जाती है. एनीवेज या, हमने ये एक्सपीरियंस काफ़ी मज़े का. सो जब ये ब्रिज का हमने टूर ले लिया, उसके बाद हम स्ट्रेट अप गए पासुकुंस.
हमारा प्लान तो ये था कि हम जाएंगे टू चाइना बॉर्डर, बट हम काफ़ी लेट हो गए थे। हम चाइना बॉर्डर के वो एक जगह पे पहुंच गए थे जिधर पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने कहा था कि आप अगले दिन आ जाएं, लेकिन फिर हमें वापस मजबूरन जाना पड़ा क्योंकि 5 बजे के बाद वो आने नहीं देते। एनीवेज, हमने जो ये पाशुकोंस का जो ये पहाड़ है, ओ माई गॉड क्या मज़े के हैं, लाइक आई एम शॉक कि हम स्विट्जरलैंड की तारीफ करते हैं यार, ये मिनी स्विट्जरलैंड इन पाकिस्तान फॉर फ्री, ठीक है, लोकल्स के लिए। तो ऐसी जगहों पे ज़रूर जाना चाहिए फॉर हनीमून, फॉर एंजॉयमेंट। एनीवेज, आई लव द प्लेस, आई विल गो अगेन एंड अगेन इंशाल्लाह अगर हिम्मत हुई। ये बहुत आपसे लाजमी करनी है, जिसको सांस का प्रॉब्लम, जिसको एस्थमा हो, जिसको पता है कि वो चल नहीं सकता ज़्यादा, तो वो चाइना बॉर्डर ना जाए, क्योंकि मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, मुझे सांस नहीं आ रहा था, आई वॉज अबाउट टू फेंट। आई रिकमेंड कि सेफ्टी गियर अपने साथ लें, प्याज लें, प्याज खाएं अगर आपको सांस का प्रॉब्लम हो। इन्जॉय द व्यू एंड इन्जॉय द व्लॉग, होप आप लोगों को ये व्लॉग का मज़ा आया। सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, यार कॉमेंट्स आप लोगों को मैं पढ़ता रहता हूँ, तो लाजमी कॉमेंट्स किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।